आप। आज मैं आपके लिए श्राद्ध पक्ष की नौमी तिथि के लिए एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ, बहुत ही खास उपाय। जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष की जो नौमी तिथि है इसे मातृ नौमी तिथि भी कहा जाता है, इसलिए कि जो नौमी तिथि होती है इसको मातृ नौमी क्यों कहा जाता है मैं आपको बताती हूँ। इस दिन जो माताएँ या बहुएँ मृत्यु लोग चली जा चुकी हैं उनके लिए जो श्राद्ध किया जाता है वो ये नौमी तिथि पे किया जाता है। तो इस पे जो घर की माताएं होती हैं, वृद्ध माताएं, उनका जो श्राद्ध होता है वो नौमी तिथि पे किया जाता है, बहुत ही शुभ होता है। और इस पे जब भी महिलाओं का किया जाता है तर्पण, तो आपके घर में हर एक स्त्री सौभाग्यवती रहती हैं। तो आपके घर में जब जो भी किसी भी स्त्री का तर्पण किया जा रहा है वो श्राद्ध पक्ष की मातृ नौमी तिथि पर ही करें तो अति उत्तम होगा। और जिनको पता है वो तो चलो उन्हीं तिथि पे करें, और जिन्हें नहीं पता है तो वो मातृ नौमी तिथि जो पड़ती है श्राद्ध पक्ष की इस पे कर लीजिए। तो आज इस तिथि पे करने वाले एक अचूक सा उपाय लेके आपने किस प्रकार से ये श्राद्ध करना है ये मैं आपको बताऊंगी। और इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप अखंड सौभाग्यवती रहती हैं, आपके घर में हमेशा खुशहालियाँ बनी रहती हैं। सबसे पहले तो आप सुबह और जय स्नान आदि करने के बाद आपको एक सफ़ेद रंग का आसन लेना है। आसन लेके बैठेंगे, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके और एक पाटा ले लें लकड़ी का, और उस पर आप सफ़ेद रंग के आप दो रुमाल नए ले आएँ। एक रुमाल तो आप उस पाटे पे डाल दीजिए, और जिस भी महिला का, जिस भी माता का, बहू का या बेटी का, जो भी आपके घर में जिनकी मृत्यु हो चुकी है स्त्री पक्ष में, आप उनका जो भी श्राद्ध करने जा रहे हैं उनकी फ़ोटो को रख दीजिए। अगर फ़ोटो नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने फिर लेने हैं काले तिल। काले तिल की आप एक ढेरी बना लीजिए, और आपने एक मिट्टी का दीपक लेना है, लंबी बाती बनाए, और उसमें आप शुद्ध देसी घी प्रज्वलित कर डाल के दीपक को प्रज्वलित कर दे। दक्षिण दिशा की तरफ मुख होना चाहिए दीपक का, और आपका मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ हो। वहीं बैठ के आप ओम पितृभय नमः मंत्र का जाप कर लें जितनी देर भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो एक दूसरी रुमाल बताई है सफ़ेद रंग की, आप वो रुमाल ले लीजिए। अब आपने करना क्या है, आप सफ़ेद रुमाल जो आपने ली है, सफ़ेद रुमाल के ऊपर आपने लेना है कुमकुम, उसके अंदर गंगा जल मिला लीजिए और उसका पेस्ट बना के आप इस रुमाल के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते। देखिए, आपके घर के अगर मांगलिक कार्य रुके हैं या कोई भी परेशानी चल रही है स्त्रियों को लेके, जैसे कि घर की महिलाएं बीमार रहती हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, या ऐसी कोई भी समस्याएँ चल रही हैं, तो ज़रूर से ज़रूर ये उपाय करें। किसी भी बीमारी या कोई भी समस्या स्त्री को लेकर घर में है, बनी हुई है, एक नेगेटिविटी बनी हुई है, या उनका महिलाओं का व्यवहार घर में अच्छा नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो सकती है, आप इस उपाय को करते हैं श्राद्ध पक्ष नौमी तिथि में, तो उस किससे संबंधित, महिलाओं से संबंधित जो भी परेशानियां वो दूर होती हैं। जैसे कई बार की नई, जैसे कि बच्चे नहीं हो पाने में उन्हें समस्या हो रही है, पितृदोष हो चुका है घर में, उसकी वजह से डिले होता चला जा रहा है, इस तरह की कोई भी समस्या हो, तो आप एक स्वास्थ्य का चिन्ह बना दें और आप इसके ऊपर रख दें 11 रुपये, और रख के अपने पितरों का स्मरण करते हुए आप इसे अच्छे से फोल्ड करके इस पर 2 गांठ लगा लें, और इस पोटली को आप जो आपने ये लपेटा है इसे ले जाकर अपने घर की दक्षिण दिशा जो है, दक्षिण दिशा में किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जिससे कि किसी का हाथ नहीं लगे। इसे रख दीजिए और आप जब तक रखा रहने दीजिए, जैसे कि आपके घर की कोई बहू है और बच्चे होने में समय लग रहा है, तो जब तक वो बच्चा हो नहीं जाता या सब कुछ अच्छे से नहीं हो जाता तब तक इसे रखा रहने दीजिए। जब आपके घर में सब कुछ मंगल मंगल हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, तब आप इसे उठा लें और जो 11 रुपये आप किसी भी गरीब या ज़रूरतमंद को दे दें, और जो ये रुमाल है इस रुमाल को बहते पानी में छोड़ दें। इस तरह से आप ये उपाय करके देखिए, आपके घर में जो भी मांगलिक कार्य अगर रुके तो वो भी पूरे होने शुरू हो जाएंगे। और साथ में जैसे कि ये मातृ नौमी तिथि है तो इस दिन आप ज़रूर से ज़रूर सुहाग का सामान, देखिए आप जो भी सुहाग का सामान ले सकते हैं आप ले लीजिए, जो आपकी क्षमता हो, 1-2 जो भी आप ले के आप इसे ज़रूर से ज़रूर ब्राह्मणी को दान करें या किसी ज़रूरत या गरीब को दे सकते हैं। और आज के दिन आप ब्राह्मणी को भोजन कराएं, जो ब्राह्मणी होती है ना सुहागन महिलाएं, उनको भोजन कराना चाहिए, तो आपको आज की श्राद्ध पक्ष की जो सही तरीके से तर्पण जो आप करते हैं उसकी विधि बिल्कुल सही यही है कि आज के दिन महिलाएं जो ब्राह्मणी होती हैं उनको भोजन कराना चाहिए। तो इस तरह से आप भोजन आज के दिन कराएं। और अब एक जो महा उपाय, आपने जाना है भगवान शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जाएं, जीवन में समस्याएं चल रही हैं, परेशानी चल रही है कोई भी, तो आपने करना है कि 11 दाने काले तिल के ले लीजिए। 11 दाने काले तिल के लेंगे, अपनी हथेली पे रखेंगे, अपनी परेशानी समस्या बोलते हुए आप भगवान शिव को अर्पण कर देंगे। इस तरह से आप
कभी भी जब भी लगे कि आपके जीवन में परेशानी है, आपके घर में कलह कलेश चल रहा है, तो आप इस तरह से अपनी हथेली पे 11 दाने काले तिल के रख के आप इस उपाय को कर सकते हैं। और इस दिन आप माँ पार्वती को ज़रूर से ज़रूर सुहाग का सामान अर्पण करें। जो भी आप कर सकते हैं ज़रूर करें। इस तरह से करने से आपके जीवन की समस्त परेशानियाँ दूर होती हैं और आपके पति दीर्घायु होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे आज्ञा दीजिए। फिर मिलते हैं नई ज्योतिष उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण आप सभी को। आप